हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास एट चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फर्दर टॉपिक हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होता है? अगर अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इनडेंजरस एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो रेड बुक है वो शो कर रहा है कि इनडेंजरस जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में रिकॉर्ड वो रखता है। रेड डेटा बुक मतलब रेड डेटा बुक वो बुक है जिसमें हम लोग रखते हैं रिकॉर्ड ऑफ ऑल इनडेंजरस एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है। अब माइग्रेशन, माइग्रेट करना मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाना। जैसे किसी को जॉब कहीं कर रहा है दिल्ली में या पटना में, तो वहां से माइग्रेट करके जैसे पटना में जॉब कर रहा है दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में पटना में जॉब कर रहा है फिर माइग्रेट करके दूसरे प्लेस में जा सकता है। तो आदमी माइग्रेट क्यों करता है? उससे अच्छा सुविधा मिलता है या कुछ उसकी बेनिफिट होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इस तरह यहाँ पे जो बर्ड्स है वो भी क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करेंगे, उसको कुछ सुविधा मिलेगा। तो माइग्रेशन कह रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई फॉर अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग द पार्टिकुलर टाइम्स। मतलब कि जो बर्ड्स हैं, बहुत सारा बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एवरी ईयर ड्यूरिंग द पार्टिकुलर टाइम्स बिकॉज क्लाइमेट चेंज। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो उस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारे जो बर्ड्स वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे सिब्रियन क्रैन या ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये जो बर्ड्स हैं ये क्या करता है, क्लाइमेट चेंज होने से एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं। और दे फ्लाई फॉर लाइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। मतलब कि नेचुरल हैबिटेट्स भी है कि वेरी कोल्ड प्लेस या इनहॉस्पिटेबल। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर का रिसाइकलिंग करना। देखिए पेपर रिसाइकलिंग, जो पेपर बनता है वो ट्री से बनता है, प्लांट से बनता है। तो हम क्या करेंगे, हमको ज्यादा से ज्यादा पेपर की नीड है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, फॉरेस्ट कट करेंगे, ट्री कट करेंगे। लेकिन हम क्या कर सकेंगे, जो रीयूज पेपर है उसको भी हम रिसाइकल करके जो वेस्टेड पेपर है उसको हम रिसाइकल करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो वही का रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, जैसे देखिए रिसाइकलिंग रिड्यूस करके फिर रीयूज कर सकते हैं, पुनः उसको यूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। रीयूज्ड पेपर, यूज जो पेपर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रीयूज रिसाइकल करके रिड्यूस करके रीयूज कर सकते हैं। यूज्ड पेपर को रिसाइकल इट सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड, जो एनर्जी और वाटर नीडेड उसको सेव कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पेपर। अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल बी रिड्यूस, सो क्या कर सकते हैं हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिफॉरेस्टेशन, अभी हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में डिफॉरेस्टेशन, और क्लास में हम लोग देखे हैं डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जो प्लांट्स हम लोग कट करते हैं, फॉरेस्ट जो कट होता है तो वो डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है, आपका डिफॉरेस्टेशन होगा तो ड्रॉट हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग है उसका एग्जाम्पल, CO2 क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफॉरेस्टेशन करेंगे। रिफॉरेस्टेशन का मतलब रीस्टॉकिंग द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट फॉर प्लांटिंग न्यू ट्रीज। कह रहा है कि जैसे हम जितने एरिया में अगर हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, जितना हम प्लांट्स कट कर रहे हैं उतना ही हम प्लांट्स क्या करेंगे, जितना हम ट्री कट कर रहे हैं उतना ही प्लांट्स हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा फिर कुछ समय के बाद वो फिर प्लांट्स ट्री बन जाएगा। तो वही कह रहा है कि इस तरह से हमारा रिफॉरेस्टेशन हो सकता है। कह रहा है कि रीस्टॉकिंग ऑफ अ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग अ न्यू ट्री, न्यू ट्री के जगह वहां पे क्या कर देंगे हम लोग प्लांट्स, न्यू ट्री हम लोग प्लांट्स कर देंगे। ठीक है। मतलब कि डिस्ट्रॉयड ट्री की जगह हम लोग न्यू प्लांट्स कर देंगे। रिटेन आवर ग्रीन वेदर फॉर फ्यूचर जनरेशन, इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा जो वेल्थ है ग्रीन फ्यूचर के लिए जनरेशन हो जाएगा। अब प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं रिफॉरेस्टेशन के लिए, मोर ट्री क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को फॉलो कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि
फॉरेस्ट सेव रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, मतलब जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सके, ठीक है। मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, ठीक है। ये हमने देखा आज क्लास में, रेड डेटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, और यहाँ पे देखा रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।